गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अपनी जगह पे सुरक्षित होंगे। तो आज हम टेंस की जो हमने सीरीज शुरू की हुई है, इंग्लिश ग्रामर के जो टॉपिक है हमारे, उसमें हम टेंस कर चुके हैं, प्रेजेंट कर चुके हैं, पास्ट का जो हमारा आज लास्ट टेंस बचा है जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, उससे पहले हम टेंस जो है कर चुके हैं और जो आने वाले समय में हम फ्यूचर के टेंस शुरू करेंगे। और जो आपका प्यार मिल रहा है, जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान क्या है इसकी, कैसे पता चलेगा कि ये किस प्रकार के वाक्य है, कौन से टेंस के वाक्य है, तो हम हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में आ रहा था, आ रही थी या से रहा था, यानी कि कुछ टाइम पीरियड दे रहा है कि वह सुबह से काम कर रहा था, वह रात से काम कर रहा था, वह 1990 से काम कर रहा था, तो से रहा था कुछ टाइम पीरियड भी दिया होता है। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वह प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। अगर हम बात करें इसकी सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में किया था कि हैज बीन और हैव बीन, इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है सिंगल हमारी हैड बीन। क्या है? हैड बीन। तो जैसे हम वाक्य लिख रहे हैं, इसका उदाहरण ले लेते हैं हम कि मैं लिखते आ रहा था, कि पास्ट में कोई काम किसी निश्चित समय पर शुरू किया था और वह कंटिन्यू चलता रहा था। तो इस प्रकार के जो इसके वाक्य हैं, तो आई हैड बीन राइटिंग। ठीक है, तो नंबर कोई भी हो, अपना सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी पर्सन हो, सभी के साथ हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई हैड बीन राइटिंग, मैं लिखते आ रहा था, मैं इस विद्यालय में 1990 से पढ़ाता आ रहा था। तो इसमें टाइम दिया गया है, यहाँ पे पीरियड टाइम दिया गया है, से रहा था मैंने पहचान जैसे बताई थी, तो इसका क्या बनेगा? आई हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 1990। क्लियर है? तो इस प्रकार के जो हैड बीन जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। और मुख्य वर्ब आपको पता है कंटीन्यूअस है, तो पहली फॉर्म के साथ आई एन जी का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम पहले कहा कि जहां पर हैज हैव हैड आते हैं वहां पर थर्ड फॉर्म आती है, तो वो परफेक्ट का वो नियम भी यहाँ पर है, बी की हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म ली गई है बीन, बी वाज बीन। तो ये भी रूल हमारा हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्लियर है? और आई जो क्योंकि ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस की वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आई एन जी हमने लगाया हुआ है। तो हम इसका देख लेते हैं, अगर हम सिंपल या असर्टिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो सबसे पहले कोई भी हम सिंपल वाक्य शुरू करते हैं, सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन। तो उसके बाद आएगी हैड बीन और फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब पहली फॉर्म लेनी है, उसके साथ आई एन जी लगा देना है और फिर बाकी जो अदर वर्ड्स बचते हैं हम वो लगा देंगे। अगर हमारा पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है जिसमें हम सिंस और फोर का प्रयोग करते हैं, तो जो निश्चित समय होता है उसके लिए सिंस, जो अनिश्चित समय होता है उसके लिए हम फोर का प्रयोग करते हैं। ये हम प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूस किया था टेंस उसमें हम बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पीछे से वो वीडियो देखें सीरीज को, जो टेंस की हमारी सीरीज चली हुई है। ठीक है, अगर सिंस फोर दिया गया है तो फिर हम पीरियड ऑफ टाइम लिखते हैं और अदर वर्ड्स लिख देते हैं। ये था हमारा सिंपल सेंटेंस का नियम। अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस में हम पीछे भी करते आ रहे हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस है क्या नियम करना हमने? सिर्फ हैड और बीन के बीच में क्या लगा देना है? नॉट। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, बाकी हमारा जो नियम था सिंपल का वही रहेगा, पीछे फुल स्टॉप लगा देंगे, इसमें कोई चेंज हमने नहीं करना है। क्लियर इतना? ओके, तो हम आगे बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। जब प्रश्नवाचक वाक्य है तो लाजमी है कि इसके अंदर इंटरोगेटिव जो साइन है, क्वेश्चन मार्क है, वह आता है।
तो उसका क्या है, हमने सिर्फ यहाँ पर सिंपल जो चेंज करना है, जो हमारा सिंपल वाक्य बनाने का नियम था, सब्जेक्ट के बाद हेड बीन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले हेड लगा देंगे, सब्जेक्ट से पहले हेड लगा देंगे, हेड सब्जेक्ट बीन, और बाकी जो हमारा सिंपल का स्ट्रक्चर था वही रहेगा, और पीछे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये हमारा किस चीज का नियम हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस का नियम कंप्लीट होता है। क्लियर है? अगर हम बात करें इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की, यानी कि प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी हो, तो उसमें क्या करेंगे, हमने जैसे हमने नेगेटिव किया था, सब्जेक्ट हैड नॉट और बीन, यहां पे क्या करेंगे, हम हैड को आगे रखेंगे, हैड फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर बीन, बाकी हमारा सेम स्ट्रक्चर चलेगा, और पीछे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये थे इसके नियम, आगे हम इसके कुछ उदाहरण कर लेते हैं, उदाहरण से हमें जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम कुछ उदाहरण ले रहे हैं यहाँ पे, एक हम आपको सोल्व करके दिखाएंगे, बाकी जो उदाहरण है वो आपने स्वयं सोल्व करने हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देने हैं। ठीक है, तो हम करते हैं, जैसे हमारा पहला वाक्य है, वे सुबह से काम कर रहे थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं पहचान वही है हमारी कि रहा था, रहे थे, रही थी है। ठीक है, और सुबह से दिया हुआ है, यहाँ पर टाइम पीरियड दिया हुआ है, सुबह से, दो घंटे से, पांच बजे से, या कल से, या पांच साल से, इस प्रकार के कुछ वाक्य दिए होते हैं, से रहा था, से रहे थे, से रही थी, इस प्रकार की हम पहचान को देखते हैं। तो जैसा हमने किया था कि सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, वे, तो वे को हम कैसे लिखेंगे, दे, हेल्पिंग वर्ब क्या है इस टेंस की, हैड बीन, दे हैड बीन, और मुख्य वर्ब क्या है, काम करना, काम करना मतलब वर्क, दे हैड बीन वर्किंग, और कब से कर रहे हैं वह है? सुबह से, सुबह एक निश्चित टाइम होता है, तो हम सिंस या फॉर में से किसका प्रयोग करेंगे यहां पर, हाँ सिंस का, क्योंकि यह फिक्स टाइम है, निश्चित टाइम समय है, तो दे हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, और उसके बाद हम लगा देंगे फुल स्टॉप। ये हमारा सिंपल जो सेंटेंस था उसका वाक्य बनाने का नियम था। अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस में जैसा हमने बताया था कि हमने हेड के बाद सिर्फ नोट लगा देना है और कोई चेंज नहीं करना है, बाकी जो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सेम रहेगा, तो वहां यहां पर नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, दे हैड नोट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। बाकी हमारा सेम है। अगर हम बात करें इसके प्रश्नवाचक वाक्य की, तो हम क्या क्या कर, क्या बताया था हमने कि सिर्फ हैड को आगे ले आना है, जो हमने सिंपल सेंटेंस किया था उसका जो नियम है उसमें सिर्फ हम हैड को आगे ले आएंगे और अंत में क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि साइन ऑफ इंटरोगेटिव, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो बनाए, हैड दे बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, और अंत में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। क्लियर है यहां पे? अब हम बात करें इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की, तो उसमें क्या नियम था, मैंने बताया था कि नेगेटिव का जो नियम है उसके अंदर सिर्फ हम इस हेड को आगे ले लेंगे, बाकी हमारा नियम सेम रहेगा, और क्योंकि यह इंटरोगेटिव है लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा इसका, हैड दे नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, और अंत में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क।
वे सुबह से काम कर रहे थे, वे सुबह से काम नहीं कर रहे थे, क्या वे सुबह से काम कर रहे थे, क्या वे सुबह से काम नहीं कर रहे थे। क्लियर है इतना? अब हम आपको तीन सेंटेंस और दे रहे हैं। वह सुबह से पढ़ रहा था। मोहन सुबह 8 बजे से ही साइकिल मरम्मत कर रहा था। और तीसरा जो वाक्य है, जैसा कि आज बारिश हो रही थी तो हम लिखेंगे सुबह से बारिश हो रही थी, सुबह से बारिश हो रही थी। तो इसकी आपने सिंपल नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, इन तीनों सेंटेंस को आपने कन्वर्ट करना है इंग्लिश के अंदर और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही था। कल हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो कल तक के लिए वेट करें। तब तक के लिए बाय बाय।